i am ketki kheda assistant professor access institute of planning and management so today I'm going to talk about a very important topic that is business communication. so we all know आज के time में business एक बहुत बड़ी चीज है and business में communicate करना बहुत ही important है. so before we move on to business communication, first of all we need to understand about communication. that what is communication? हमें सबसे पहले क्या समझना है कि communication क्या होता है, right? so अगर हम simple terms पे बात करें या if we talk in a layman language अगर हम बात करें communication क्या होता है, तो it's basically the sharing of of ideas इमोशन्स थाट्स फीलिंग्स यानी कि जब भी हम अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं अपने थाट्स को शेयर करते हैं अपने इमोशंस को शेयर करते हैं किसी के साथ तो हम क्या करते हैं कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड इफ अगर हम इसके लिए एक दूसरा वर्ड यूज़ करें अपार्ट फ्राम शेयरिंग दैट इज़ एक्सचेंज एक्सचेंज का मतलब यहाँ पर क्या है कि वैन वी आर एक्सचेंजिंग आर थाट्स वैन वी आर एक्सचेंजिंग आर इमोशंस वैन वी आर एक्सचेंजिंग आर फीलिंग्स तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इट सिम्पली मीन्स कि हम कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं हम कोई इन्फॉमेशन शेयर कर रहे हैं एंड इन रिटर्न ऑफ दैट जब वो सामने वाला पर्सन हु इज द रिसीवर वो उसको समझ के हमें वापस उसका क्या दे रहे हैं फीडबैक दे रहे हैं यानी कि जो मैसेज हमने उन तक पहुंचाया दे अंडरस्टूड दैट दैट पर्टिकुलर मैसेज मैसेज एंड आफ्टर इंटरप्रेटिंग देरस्टुडिकेन दे आर प्रोवाइडिंग अस विद द फीडबैक तो वो फीडबैक क्या हो रहा है हम मैसेज भेज रहे हैं और सामने वाले हमें वापस से उसका फीडबैक दे रहे हैं सो so ये हमारा मतलब होता है एक्सचेंज का सो so अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की एक डे टू डे लाइफ में स्टूडेंट्स भी डू कम्युनिकेट विद आर फ्रेंड वी कम्युनिकेट विद आर रिलेटिव्स वी कम्युनिकेट विद आर यू कैन से पेरेंट्स सबके साथ हम कम्युनिकेट करते हैं चाहे हमें एक ग्लास ऑफ़ वाटर किसी से चाहिए हो या फिर किसी से हमें अपने बिजनेस के लिए अपने लाइफ के लिए कोई सजेशन चाहिए हो सो कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेशन इज एन इनडिफेंसिबल पार्ट ह सोशलाइजिंग बिना किसी से बात किए वी आर नॉट एबल टू सरवाइव ठीक है चाहे हमें किसी से कोई सजेशन लेना हो कोई फीलिंग शेयर करनी हो सो वी हैव टू कम्युनिकेट विद अदर पर्सन टल नाउ वी हैव डिस्कज अबाउट कम्युनिकेशन नाउ जंपिंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड अगर हम आगे बढ़ें और मैं आपको ये इमेज शो करूं सो so, इस इमेज से आपको क्या समझ में आ रहा है इस इमेज से हमें स्टूडेंट्स ये समझने की जरूरत है कि दिस इज ऑफिस सेटअप इस ऑफिस सेटअप में क्या हो रहा है मे बी वी कैन रिज्यूम की एक कॉन्फ्रेंस हॉल है एंड इन कॉन्फ्रेंस हॉल में क्या है हमारे जो इंप्लॉयज़ हैं दे आर सिटिंग यू कैन सीर यू कैन सी देयर पॉस्चर्स एंड मे बी वन ऑफ दैम इज गिविंग द प्रेजेंटेशन अब ये क्या हो रहा है कि वो एक प्रेजेंटेशन सजेशन दे रहे हैं मे बी वी कैन एज्यूम कि को एक नया प्रोजेक्ट है और उस नए प्रोजेक्ट के बारे में जो हमारे सीनियर है दे आर कम्युनिकेटिंग दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विद देयर सबॉर्डिनेट्स सबॉर्डिनेट्स के साथ वो चीज़ों को शेयर कर रहे हैं सो so, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है वेन वी डू द कम्युनिकेशन इन दर्गेनाइजेशनल सेटअप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स तो उसको हम कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन जब हमारी जो भी बातें होती हैं वॉट एवर आर कम्युनिकेशन इज़ दैट इज़ पर्टिकुलरली रिलेटेड टू आर बिजनेस थिंग्स यानी कि बिज़नेस से जुड़ी चीज़ों के लिए जब हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारा कहलाता है बिजनेस कम्युनिकेशन सो अभी तक हमने एक जनरल आइडिया के बारे में बात करी है कि कम्युनिकेशन क्या होता है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है सो so अब थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाते हैं और वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वर्ड है हमारा कम्युनिकेशन हम हर चीज में बोलते हैं कम्युनिकेट 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 सो ये वर्ड हमारा जो कम्युनिकेशन है ये आया कहाँ से है एंड उसका मीनिंग क्या होता है सो कम्युनिकेशन द वर्ड कम्युनिकेशन है इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड ये क्या है हमारा एक लैटिन वर्ड है ठीक है और लैटिन वर्ड हमारा क्या था लैटिन वर्ड था हमारा कम्युनिस्ट है इट इज कम्युनिस्ट एंड कम्युनिस्ट का मीनिंग क्या था स्टूडेंट्स कॉमन ठीक है कॉमन क्यों कहते हैं हम बिकॉज वेन एवर वी आर कम्युनिकेटिंग जब भी हम बात करेंगे तो हम कुछ ऐसी बात करेंगे हम कुछ ऐसा शेयर करेंगे जो कॉमन होता है ठीक है जैसे अगर हमने कोई थॉट शेयर किया कोई आइडिया शेयर किया कोई इमोशन शेयर किया तो हम दो लोगों में या दो से ज़्यादा लोगों में शेयर कर रहे हैं तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज बिकमिंग कॉमन नाउ सो इसलिए जो हमारा कम्युनिकेशन है दिस इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विथ सिंपली मीन्स कम्युनिस्ट लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से डिराइव हुआ है विथ सिंपली मीन्स कॉमन सो दस कम्युनिकेशन दस कम्युनिकेशन सिग्निफाइज शेयरिंग ऑफ आइडियाज इन कॉमन यानी कि जो भी हम आइडियाज इमोशंस को कॉमनली शेयर करते हैं वो सब हमारा आता है कम्युनिकेशन के अंदर राइट right. सो so, अगर हम आगे बढ़े हम वी मूवड वर्ड्स द मीनिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में अगर हम बात करें सो बिजनेस कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या बात करनी है कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन है वो हमारा है एक प्रोसेस क्योंकि इट्स नॉट लाइक दैट कि हमने सामने वाले को कुछ बोला सामने वाले ने सुना एंड इट इज ओवर इट इज नॉट लाइक दैट फॉर मी एंड यू लाइक इफ वी आर इफ वी आर टॉकिंग इन लेम एंड टर्म्स अगर एक लेम एंड टर्म्स में हम बात करें तो इट इज जस्ट लाइक दैट आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर कैन यू प्लीज पास इट ऑन तो ये क्या है हमारा कम्युनिकेशन है कि हमने बोला और खत्म बट एक्चुअली इफ वी गो इन टू डिटेल्स अगर हम इसके डिटेल्स में जाए यू स्टडी दिस कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस सो विल टॉक अबाउट दिस कम्युनिकेशन प्रोसेस इन डिटेल आगे बात करेंगे बट अभी सबसे पहले हमें क्या समझना है कि हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू दैट इट इज ऐ प्रोसेस अब प्रोसेस होता है ये समझ में आ गया बिकॉज वी हैव सेवरल स्टेप्स टू बी फॉलोड नेक्स्ट क्या होता है इसमें प्रोसेस किस चीज का होता है

Understanding that information as well, because if we want the effective communication to take place, it shouldn't be like that कि आपने बोला और मैंने सुना that is over. इट शुडेंट बी लाइक दैट कैसा होना चाहिए कि आपने बोला मैंने सुना एंड देन मैंने उसको इस तरीके से समझा कि जिस व्यू पॉइंट से आप मुझे वो बात बताना चाह रहे थे या जिस कॉन्टेक्स्ट में मुझे आपको बात समझाना चाह रहे थे आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ में आया? सो नाउ वॉट वी आर क्या वॉट वी आर इम्पार्टिंग अगेन इट इज प्रोसेस है किस लिए इम्पार्टिंग आइडियाज हम यहां पे क्या इम्पार्ट कर रहे हैं वी आर शेयरिंग आर आइडियाज and making oneself understood again making oneself understood by others making oneself understood by others ka matlab if i am the one and if i am teaching you communication right here so i want you to understand this concept this is what communication here also we are communicating i am i am a

Right. So nextly, if we go to point, pe jate hai, then business communication is one of the important element. Very important element, hai, student. Very important element because in today's scenario, if you, are, if you people are doing your business, or if, you if you people are in any kind of job, any, cor any kind of corporate job, so communication is the must thing to have. And if you are not having the proper command on communication, then maybe you are going to face certain challenges. So it's, it is always बेटर टू बी प्रिपेयर योर सेल्फ इन एडवांस ताकि आगे जाके हमें प्रॉब्लम ना हो राइट right. सो so, अगर हम वापस यहाँ पे आए तो क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है किस लिए एलिमेंटेड टू ग्रो बिजनेस बिजनेस को हमारे ग्रो करने में अगर हम आज हंड्रेड डॉलर की कंपनी है उसको फाइव हंड्रेड मिलियन डॉलर की कंपनी में ले जाने के लिए कम्युनिकेशन का जो होता है वो बहुत बड़ा रोल होता है सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें बिज़नेस कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है द गोल ऑफ कम्युनिकेटर इज टू कन्वे देयर थॉट्स इन द माइंड ऑफ पीपल सो नॉट द पर्सन हु इज कम्युनिकेटिंग द पर्सन हु इज इमिंग द नॉलेज इमार्टिंग द आइडियाज इज नोन एज कम्युनिकेटर अब कम्युनिकेटर इसको बोला जाता है बिकॉज वो शेयर कर रहा है वो सारी चीजें अब उसको शेयर क्या करनी होती है कन्वे क्या करनी होती है जो भी थाट्स जो भी आइडियाज आपके माइंड में होते हैं आप उस चीज को क्या करते हो सामने वाले के साथ शेयर करते हो सो आई होप अब मे एंड बिजनेस कम्युनिकेशन आर डन विद हमें इतना समझ में आ गया है नेक्स्ट मूविंग टू वर्ड्स द नेक्स्ट लाइन हाउ डू वी डिफाइन फ एनीबडी आस्कास्ट द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन तो हम उसे कैसे बताएंगे सो आई हैव मैं टू डेफिनेशन गिवन बाई दरी फेमस ऑथर्स वन इज लुइस एलन सो लुइस एलन सेज दैट कम्युनिकेशन इज अ ब्रिज ऑफ मीनिंग सो हेर ब्रिज ऑफ मीनिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ब्रिज ऑफ मीनिंग स्टूडेंट्स मीन की एक ऐसा ब्रिज है यानि कि एक चीज मैं आपको बोल रही हूँ वो चीज आपको समझ में आ रही है बट कम्युनिकेशन एक ऐसा ब्रिज है जिस पे हमारा मैसेज चल के जाता है सेंडर टू रिसीवर एंड सेंडर की जो भी बात वो कहना चाहता है वो रिसीवर को उसी कॉन्टेक्स्ट में समझ में आती है जिसमें सेंडर उसे कहना चाह रहा है या कन्वे करना चाह रहा है सो इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक एंड कंटीन्यूअस प्रोसेस क्या है हमारा अगेन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है सिस्टमैटिक मीन्स वी हैव टू आई हैव डिस्कस इट बिफोर कि एक प्रोसेस है जिसमें वी नीड टू फॉलो सर्टेन स्टेप सर्टेन चीज़ें हमें इसमें फॉलो करनी होती हैं स्टेप बाय स्टेप अब सिस्टमैटिक होता है वी कैन नॉट जम्प कि वन के बाद हम सीधा फोर पे आ जाएँ या फाइव पे आ जाएँ या सीधा थ्री से स्टार्ट करें सो इट इज़ अ वेरी सिस्टमैटिक थिंग फर्स्टली एंड सेकेंडली क्या है हमारा एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कॉन्टिन्यूस मीन्स नेवर एंडिंग कभी ना ख़त्म होने वाला कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ टेलिंग लिस्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग ओके सो यहाँ पे क्या है टेलिंग लिस्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग अब यहाँ पे स्टूडेंट्स टेलिंग यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं यू आर टेलिंग समथिंग द नेक्स्ट पर्सन जिसको आप बोल रहे हैं वो क्या हो रहा है सुन रहा है he is doing the listening and after listening listening is also not sufficient if you are not able to understand that particular thing right aapne bola samne wale ne suna but ab uske baad bhi ek step hota hai ki he also wants to understand there is a need to understand that particular thing which has been conveyed in the message आपको समझना पड़ेगा कि message में क्या है तभी आप क्या कर पाएंगे उसको उसी context में reply कर पाएंगे कि आपको क्या समझ में आया है ओके सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन व्हिच इज गिवन बाय डब्ल्यू एच न्यू सो कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स हमने एक्सचेंज के बारे में ऑलरेडी ये बात करी है कि क्या है एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स एक्सचेंज मतलब हम यहाँ से कुछ शेयर कर रहे हैं इन रिटर्न द रिसीवर इज ऑल्सो शेयरिंग सर्टन काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन विद अस सो शेयर एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स आइडियाज आइडियाज फैक्ट्स होते हैं जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं जिसको ना आप बदल सकते हैं ना हम बदल सकते हैं फैक्चुअल चीज़ें शेयर हो रही हैं आइडियाज शेयर हो, हो रहे हैं कोई स्टार्टअप का है मेरे दिमाग में कोई स्टार्टअप का आइडिया आया है मैं वो आपसे शेयर कर रही हूं देन ओपिनियन किसी भी चीज को लेके हमारा व्यू पॉइंट कैसा है यानी कि अगर आज कोई आज का कोई सिनारियो है तो उसको लेके मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है आई एम शेयरिंग माई ओपिनियन विद यू दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन और इमोशंस अब इमोशंस भी हम शेयर करते हैं ये हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं जैसे वेन एवर वी आर सैड जब हम बहुत ज्यादा सैड होते हैं तो हम जनरली uh, क्राई करते हैं और अपने जो साथ वाला पर्सन होता है या फ्रेंड होता है या फैमिली मेंबर होता है उसके आगे हमारे इमोशंस बिल्कुल बर्स्ट हो जाते हैं सो इन अ वे और अदर वी आर कम्युनिकेटिंग हम बहुत हर्ट हैं या हम क्राई कर रहे हैं और वेन एवर वी आर वेरी हैप्पी जब हम बहुत खुश होते हैं तो वी जनरली हक पीपल वी जनरली शेक हैंड वी चेयर दैम ऑप तो ये सारे जो चीज़ें होती हैं ये क्या होती हैं हमारी वेन वी आर शेयरिंग आर इमोशंस बाई टू और मोर पर्सन सो देर इज़ नॉट रिस्ट्रिक्शन की एक ही सेंडर होगा और एक ही रिसीवर होगा सो इन द नेक्स्ट वीडियोज़ वेन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन उसमें हम पढ़ेंगे कि कितने कितने तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं तो उसमें हमें पता चलेगा सो एज़ फर नाउ कम्युनिकेशन जो होता है स्टूडेंट्स इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप दो पर्सन तक ही लिमिटेड है टू और मोर पर्सनस के लिए भी ये कम्युनिकेशन हो सकता है राइट right? तो यानी कि अगर जैसे अगर हम बात करें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की जिसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं कि आप और आपके फ्रेंड बात कर रहे हैं राइट right? अगर हम मास कम्युनिकेशन की बात करें उसमें हमारा सेंडर एक ही होता है बट रिसीवर जो होते हैं वो हमारे काफ़ी ज़्यादा होते हैं मासिस को हम एड्रेस करते हैं रिसीवर हमारे एक हेट्रोजीनियस ऑडियंस होती है राइट सो दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय डब्ल्यू एच न्यू नेक्स्ट वी आर वोइंग टू टॉक अबाउट दी कैरेक्टरस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन अगर हम कम्युनिकेशन की कुछ कैरेक्टरस्टिक्स के बारे में बात करें स्टूडेंट्स तो द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन इज टू वे कम्युनिकेशन या फिर टू वे प्रोसेस भी हम इसको कह सकते हैं सो so, जैसे अगर हम मैंने आपको कोई चीज़ बताई ठीक है आपने वो चीज़ को जैसे अभी हमने प्रीवियस डेफिनेशन में डिस्कस किया था इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ टेलिंग लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सो इसका टू वे प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि इफ़ आई एम सेंडिंग यू अ मैसेज मैं आपसे कोई मैसेज भेज रही हूँ मैं आपको कुछ मैं डिलीवर कर रही हूँ मैसेज के फॉर्म में देन आप उसको लिसन कर रहे हैं रिसीव कर रहे हैं अंडरस्टैंड कर रहे हैं देन इन रिटर्न आप मुझे उसका रिप्लाई दे रहे हैं आप मुझे उसका फीडबैक दे रहे हैं राइट right? तो ये इस तरीके से क्या होता है हमारा टू वे प्रोसेस होता है टू वे कम्युनिकेशन होता है नेक्स्ट हमारा क्या आता है इसमें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस अब कॉन्टिन्यू कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब मीन सिंपली स्टूडेंट्स की नेवर एंडिंग प्रोसेस इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हम अगर कम्युनिकेशन की बात करें कि आज हमने एक चीज़ किसी के साथ शेयर करी तो इट इज लाइक दैट कि हम दोबारा से उस पर्सन के साथ कोई बात नहीं करेंगे हाँ हो सकता है कि उस कॉन्टेक्स्ट में बात ना करें उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात ना करें बट बात तो करते ही हैं सो इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है जो हमेशा चलता ही रहता है नेक्स्ट इट इज डायनेमिक प्रोसेस अब डायनेमिक प्रोसेस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है डायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है देखो सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज आवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग ये हम सभी हम सभी को पता है कि जो हमारी इन्वायरमेंट है जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो बहुत रैपिड स्पीड से चेंज हो रही है राइट सो कम्युनिकेशन का भी एक इसको हम क्या कहते हैं इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस डायनेमिक प्रोसेस क्यों होता है कि जैसे चाहे कोई भी सिचुएशन हो कैसी भी स्थिति हो कैसी भी सिचुएशन हो आपका कम्युनिकेशन होता ही होता है लाइक विद द चेंज ऑफ सिचुएशन आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो स्टॉप नहीं होता है बल्कि चलता ही रहता है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस नेक्स्ट अगर हम बात करें परवेसिव अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड परवेसिव अब परसिव कैसे है हमारा कम्युनिकेशन परवेसिव का मतलब स्टूडेंट इस तरीके से होता है कि इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली कॉरपोरेट ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस में ही कम्युनिकेशन होता है या सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होता है एनजीओ में भी होता है सो इट मींस कि इट इज प्रेजेंट एट ऑल लेवल्स एंड इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर ऑल लेवल्स का मतलब लाइक वी हैव सर्टेन लेवल्स इन मैनेजमेंट हमारा लोअर लेवल होता है मिडिल लेवल वी वी हैव हैव टॉप लेवल सो इट इज इंट लाइक दैट कि वी ओनली कम्युनिकेट एट दी लोअर एंड मिडिल लेवल ऐसा तो नहीं होता है सो द कम्युनिकेशन इज प्रेजेंट एट ऑल दी लेवल्स एंड इन एवरी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन या इन एवरी काइंड ऑफ बिजनेस हब हर जगह ये प्रेजेंट रहता है इसलिए इट इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन नेक्स्ट इट इज गोल ओरिएंटेड अब ना गोल ओरिएंटेड का हमारे कम्युनिकेशन के साथ कम्युनिकेशन के साथ क्या कनेक्शन है ये हमें समझना है राइट अब गोल ओरिएंटेड का अगर हम सिंपली मतलब समझें सो गोल ओरिएंटेड सिंपली मीन स्टूडेंट्स की When we are communicating with anyone, it should have a predefined purpose, डिफाइंड या प्री डिफाइंड गोल या प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव राइट अब प्री डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि whenever we talk to someone, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो it isn't like that कि हम बिना मतलब के ही बोल रहे हैं या हमारे पास आज बहुत ज्यादा energy है तो हमने बोलना start कर दिया it डजेंट like that, right? तो यहाँ पर goal-oriented का मतलब अगर हम किसी से communicate कर रहे हैं अगर हम किसी से कोई चीज़ को share कर रहे हैं तो उसका एक होता है उसका एक goal होता है जिस चीज पे हमें रीच करना होता है बाय द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन या बाय द एंड ऑफ द कम्युनिकेशन जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने पेरेंट्स को कन्वेंस कर रहे हैं कि हमें एक ट्रिप पे जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ तो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ राइट right? अब यहां पे हमारा गोल क्या है कि हमारे पेरेंट्स कन्वेंस हो जाएं और हमें अलाउ कर दें जाने के लिए ठीक है तो हमारे कम्युनिकेशन का एक प्री डिफाइंड गोल है कि बाय हुक और क्रुक इन एनी वे वी नीड टू कन्वेंस आवर पेरेंट्स वी नीड टू परसुएड आर पेरेंट्स इस तरीके से हमें उनको मनाना है सो so, जो भी कम्युनिकेशन होती है चाहे हमारे एक पर्सनल लेवल पे हो चाहे हमारे एक बिजनेस लेवल पे हो उसका हमेशा से ही एक गोल रहता है जिसपे हम रीच करना चाहते हैं एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन राइट नेक्स्ट इज एक्सचेंज एक्सचेंज का मतलब यहाँ पे क्या होता है ये हम बहुत बार इसके बारे में बात कर चुके हैं कि इफ़ आई एम शेयरिंग समथिंग एंड द रिसीवर इज़ ऑल्सो शेयरिंग समथिंग इन रिटर्न टू मी इट इज़ अ एक्सचेंज प्रोसेस कि मैंने एक टॉपिक के बारे में आपसे कुछ बोला ठीक है वी आर डिस्कसिंग ऑन दी जी डी पी ऑफ इंडिया करंट जी डी पी हमारे करंट जी डी पी क्या है इंडिया के हम उसके बारे में बात कर रहे हैं पर्सन ए एंड पर्सन बी सो पर्सन ई ने एक इनपुट दिया जो भी उसके पास प्रेजेंट नॉलेज थी उन्होंने वो बताया एंड पर्सन बी ने अब उनको कुछ बोला जो कि पर्सन ए को पहले से नहीं पता था सो so, यहां पे क्या हो रहा है वी आर एक्सचेंजिंग दी आर एक्सचेंजिंग द नॉलेज गेटिंग पॉइंट सो ये चीज होती है कि वी आर एक्सचेंजिंग एवरीथिंग हम इमोशंस भी एक्सचेंज करते हैं हम फैक्ट्स भी शेयर कर, एक्सचेंज uh, करते हैं आइडियाज भी एक्सचेंज करते हैं सब कुछ हम एक्सचेंज करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर देन द वेरी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल मीन्स

सो जस्ट टेक अ ब्रेथ गिव विट अ सेकेंड एंड थिंक अबाउट इट क्या बिना कम्युनिकेशन किए विदाउट कम्युनिकेशन डू यू पीपल विल बी एबल टू रन योर बिजनेसिस क्या आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बिना बात किए बिना कम्युनिकेट किए रन कर पाएंगे स्मूथली चला पाएंगे ग्रो करना तो दूर की बात है राइट right. सो so, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की यहाँ पे बात करें स्टूडेंट्स तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज टाइमली एंड एक्यूरेट डिसीजंस सो वी ऑल नो कि वी ऑल हैव टू टेक सर्टेन डिसीजंस क्या होता है कि इफ अ मैनेजर इज देअर मैनेजर को डे टू डे लाइफ में सर्टेन डिसीजंस होते हैं वेरियस डिसीजंस होते हैं जो उनको लेने पड़ते हैं राइट सो द वेरी फर्स्ट इज टाइमली एंड एक्यूरेट डिसीजन अब अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का फ्लो बहुत अच्छा है हमारी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कम्युनिकेट होती हैं सारे लेवल्स अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है सारी जो भी फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं डेटा होता है इंफॉर्मेशन होती है वो हमें टाइमली मिल जाती है ठीक है सो वो इंफॉर्मेशन जब हमें मिल जाती है मैनेजर्स को मिल जाती है सो इट मेक्स देर वर्क वेरी इजियर इसके थ्रू वो क्या कर पाते हैं दे विल बी एबल टू टेक दी टाइमली एंड एक्यूरेट डिसीजन जब उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी स्टूडेंट्स तो ऑफकोर्स ही बात है जो भी उनको लगेगा कि नीड है इस पर्टिकुलर डिसीजन की तो ऑरिजिनल फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे वो उस डिसीजन को टाइमली ले पाएंगे प्लस वो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होगी इसकी वजह से उनका जो डिसीजन होगा वो भी एक्यूरेट होगा ओके सो नेक्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन सो वी ऑल नो टू रन आर बिजनेसिस वी नीड टू प्लान अब प्लान का मतलब क्या होता है कि प्लानिंग हमें करनी पड़ती है राइट प्लानिंग एंड कॉर्डिनेशन कॉर्डिनेशन दो वर्ड्स हैं यहाँ अब अगर हम बात करें प्लानिंग के बारे में तो प्लानिंग कोई भी काम अगर हम करते हैं ठीक है एक बिजनेस स्टार्ट करना है किस तरीके का करना है कहाँ पे स्टार्ट करना है वहां से लेकर एक नया प्रोजेक्ट आया है इसके लिए कौन सी टीम को डिप्लॉय करना है कौन से लोगों को इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करना है कितना बजट रहेगा सो so, ये सारा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हम बिफोर हैंड कर लेते हैं सो दैट वी डोंट फेस एनी काइंड ऑफ हंड्रेंसेज आफ्टर ठीक है बाद में हमें किसी भी तरीके कोई हंड्रेंसेज किसी तरीके कोई ऑबस्टिकल्स फे, फेस ना करने पड़े इसके लिए हम पहले ही क्या करते हैं प्लानिंग कर लेते हैं अब ये बात अगर हम कहें कि प्लानिंग एक ही इंसान का काम है तो ये गलत होगा राइट right. तो प्लानिंग किसी एक पर्सन का काम नहीं होता है और एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं होता है कि रात में हमने सोचा कि हम ये काम कर लेंगे एंड इन द मॉर्निंग वी आर डन विद द प्रोटोटाइप ऐसा नहीं होता है राइट सो प्लानिंग में वी इन्वॉल्व द एक्सपर्ट्स वी इन्वॉल्व द पीपल हु हैव दी इनडेप्थ नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिस भी चीज़ की उनको इनडेप्थ नॉलेज है हम एक्सपर्ट्स को उसमें लाते हैं ताकि हमारी प्लानिंग बहुत अच्छे से हो सके एटिंग माई पॉइंट अगर हम बात करें अब प्रॉपर प्लानिंग की जब अभी मैंने आपको यहाँ पर मैंशन किया कि इट इज़ नॉट एन ओवर नाइट प्रोसेस ओवर नाइट प्रोसेस नहीं है प्लस यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं तो जब एक से ज़्यादा लोग हमारे प्लानिंग में इन्वॉल्व हैं तो वो जो अगर पाँच या छः लोगों की टीम है सो दे पीपल ऑल्सो हैव टू कम्युनिकेट विद ईच अदर उनको भी आपस में बात करने की जरूरत पड़ेगी एंड इवन कोआर्डिनेट करने के लिए भी हमें आपस में बात करने की ज़रूरत पड़ती है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वी हैव यू कैन से सर्टन डिपार्टमेंट्स बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में आप आप ये कह लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन होता है मार्केटिंग होता है एच होता है सो so, अगर ये डिपार्टमेंट्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करें बात नहीं करेंगे सो so क्या जो पर्टिकुलर बिजनेस हाउस है वो अच्छे से चल पाएगा द आंसर इज़ नो राइट सो इसके लिए यानी कि अगर हमारे अच्छी प्लानिंग हो अच्छा कोऑर्डिनेशन हो इसके लिए भी बिज़नेस कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेक्स्ट इज योर ओवरकमिंग ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट अगर अब हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट की तो अगर एक बिजनेस है बिजनेस में हम लोगों को हायर करते हैं काम करने के लिए तो सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं वी डो नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ बिहेवियर विद ईच एंड एवरी एम्प्लॉय विच वी हायर राइट सो अब यहाँ पे क्या होता है जब वैन द वैन द बिहेवियर ऑफ द पीपल आर डिफरेंट विद ईच अदर सो द डू हैपन कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर अगर हमारा ओपिनियन मैच नहीं करा हमारा व्यू पॉइंट मैच नहीं करा तो हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं तो अब उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं वी कम्युनिकेट सॉ कम्युनिकेशन से ही हम क्या करते हैं उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं ठीक है अगर हमारे आ, दो डिपार्टमेंट्स के हेड्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है सो हमारा काम क्या रहता है वहाँ पे जो उनसे सीनियर अथॉरिटी सीनियर डेजिग्नेशन पे होंगे उनको क्या करना चाहिए उन दोनों लोगों को बुलाना चाहिए आमने सामने बिठाना चाहिए एंड उनको क्या करना चाहिए आपस में उनसे बात करवानी चाहिए नीड टू सॉर्ट आउट दैट मैटर राइट right. सो so, अगर हम कहें कि ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी छोटे मोटे झगड़े होते हैं कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उसको भी रिजोल्व करने में स्टूडेंट्स हमारा जो बिजनेस कम्युनिकेशन होता है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल राइट नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द अन वर्किंग सो हे आई एम फोकसिंग ऑन दिस वर्ड अन इंटरप्टेड दैट मीनस किसी भी तरीके से हमें कोई भी इंटरप्शन ना आए कोई ऑब्स्टिकल ना आए कोई hindrance ना आए वाइल वी आर वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन राइट अन इंटरप्टेड वर्किंग में सिंपली हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स की हमें जब हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर प्लानिंग होती है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है तो सब चीज़ पहले से ही सेट होती है हमें बस वो काम करने की जरूरत होती है इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होता है कम्युनिकेशन की वजह से अन इंटरप्टिड वर्क

ज नॉट द केस ऐसा नहीं होना चाहिए सो ऐसी चीजों में क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमें एनकरेज करना चाहिए अगर किसी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा कोई काम किया है सो वी डू हैव टू मोटिवेट दैम फॉर द वर्क विच दे हैव डन जो भी उन्होंने काम किया है हमें उसके लिए मोटिवेट करना चाहिए उन्हें प्रेस करना चाहिए इन फ्रंट ऑफ आदर्स कि उनका जो एक लेवल है जो उनका एक्शन उन्होंने किया है उसको मेंटेन कर सके राइट सो टू एनकरेज एक्शन एनकरेज मीन्स फॉर द नेक्स्ट टाइम ऑल्सो वो ऐसा ही इनिशिएटिव ले और ऐसा ही लॉरल्स लेके आए हमारी ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसके लिए इसके हमें क्या करना पड़ता है उनको मोटिवेट करना पड़ता है एंड मोटिवेट के लिए अगेन वी नीड एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है उनसे हम वर्बली उनको बोलते हैं वेल डन बहुत अच्छा किया आपने सो so, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ना उनको बोलने के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है एंड टू अर्न एम्प्लॉय लोयालिटी अगर हमें एम्प्लॉय की लोयालिटी चाहिए आज के समय में इतनी कॉम्पिटिटिव कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में जो हमारे एम्प्लॉयज हैं दे आर ऑल्सो वेल एजुकेटेड राइट right. सो so, अब उनकी लोयालिटी भी हमें अर्न करनी पड़ती है इट इजेंट लाइक दैट कि हमें उनको पूरे तरीके से जो डिमांड्स हैं वो फुलफ़िल करनी चाहिए इट इजेंट लाइक दैट सो हमें उनकी लोयालिटी अर्न करनी पड़ती है जब हम उनको मोटिवेट करते हैं प्रेज करते हैं तो उनका कहीं ना कहीं हौसला बढ़ता है वो अच्छा समझने लगते हैं अपने आप को कही कहीं ना कहीं कनेक्ट करने लगते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और वो चीज़ें आपकी लोयालिटी में इन रिटर्न कंपनी को मिलती हैं राइट तो ये सब चीज़ें भी हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन की वजह से ही पॉसिबल होती हैं Next is your helps in decentralization and delegation of authority. Two very important uh, terms of management one is decentralization, and another word is delegation. सो हेयर डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स स्टूडेंट्स वेन यू हैव दिस वेन द डिसजन मेकिंग पार्स इज इन देंड्स ऑफ मोर देन वन पीपल यानी कि टॉप लेवल में नहीं होती हैं सारी डिसीजन मेकिंग पावर्स वो थोड़ा सा स्कैटर्ड होती हैं सबको कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए अलाव होता है तो वो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन होता है सो जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्टूडेंट्स जब हम किसी को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं इतनी अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप ये चीज़ों के डिसीजन खुद से ले सकते हो ठीक है तो उसके लिए भी हमें उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा राइट नेक्स्टली डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सो डेलीगेशन सिंपली मीन स्टूडेंट्स टू पास ऑन जब हम चीजों को पास ऑन करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी अथॉरिटीज को पास ऑन करते हैं जब हम किसी को अपना वर्क डेलीगेट करते हैं दैट मुझे ये काम ऊपर से मिला है मेरे सीनियर से मिला है एंड मैं आपका सीनियर हूं अब आपको ये काम मुझे करके देना है देन ऑल्सो यू आर कम्युनिकेटिंग बट यू आर कम्युनिकेटिंग रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन वर्क आप सिर्फ काम की बात से जब बात करते हो जब ऑर्गेनाइजेशन की चीजों को लेके जब आप बात करते हो तो वो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाता है ये अभी हमने भी बात करी थी राइट right. सो so, अब समझ में आया लाइक व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किस तरीके से हमें डिसेंट्रलाइजेशन के लिए भी प्लस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के लिए भी वी नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इन दी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ओके नेक्स्ट इज देर आर फ्यू इंपॉर्टेंस लेफ्ट नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिव वर्किंग सो पार्टिसिपेटिव वर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज पहले क्या होता था वी हैव अथॉरिटेटिव इन्वायमेंट्स वी हैव अथॉरिटेटिव इन्वायरमेंट्स एंड वी हैव ऑटोक्रेटिक लीडर्स उस टाइम पे क्या होता था कि जो बॉस बोलते थे बस हमें वही करना होता था या फिर जो इंस्ट्रक्शंस पास ऑन होते थे वी ओनली नीड टू परफॉर्म दोज़ वर्क इन आर नाइन टू फाइव जॉब बट इन टूडेज इन्वायरमेंट आज के एरा में क्या है स्टूडेंट्स कि हमें पार्टिसिपेटिव इम्प्लॉयज़ uh, चाहिए होते हैं जो अपना इनपुट डालें जो खुद इनिशिएटिव लें किसी चीज़ को करने के लिए राइट तो ये सब चीज़ें हमारी जो होती हैं वो बहुत मैटर करती हैं इन चीज़ों में तो पार्टिसिपेटिव वर्किंग के लेके अगेन हम उनको मोटिवेट करेंगे कि आप कुछ नया लेके आइए हम क्या कर सकते हैं हम कौन सी नया प्रोडक्ट को ला सकते हैं अगर हमारा कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो हम उस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में किस तरीके से इनोवेशन कर सकते हैं सो तो ये सब चीज़ों के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है कम्युनिकेट करना पड़ता है नेक्स्ट इज योर बाइंडिंग फोर्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आज के टाइम में बाइंडिंग फोर्स और ये बहुत मेजर इंपॉर्टेंस है हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन की बाइंडिंग फोर्स मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक एक इंडिविजुअल को अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बाइंड करके रखता है एक साथ जोड़ के रखता है ताकि दे विल फोकस ऑन वन कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड दे कैन वर्क टुवर्ड्स द अकम्पलिशमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल गोल ट दिस तो अब बाइंडिंग फोर्स के तरीके वो काम करता है हमारा कि जो भी हम काम कर रहे हैं एक एक इंडिविजुअल जो हमारा है सबको एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन रहता है ताकि हम अपने एक कॉमन गोल की तरफ वर्क कर पाए नेक्स्ट हेल्प्स इन मोल्डिंग एटीट्यूड्स नाउ हाउ कम्युनिकेशन हेल्प्स इन मोल्डिंग एटीट्यूड्स मोल्डिंग एटीट्यूड्स में कैसे काम करता है मोल्डिंग एटीट्यूड्स मतलब इफ़ वी हैव हायर्ड एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉय जिसका एटीट्यूड हमारे ऑर्गेनाइजेशन से उतना ज़्यादा मैच नहीं कर रहा है सूटेबल नहीं है बट उसके स्किल्स बहुत अच्छे हैं ठीक है ठीके? उसकी क्वालिफिकेशनस बहुत अच्छी है एक्सपोजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है बट एटीट्यूड थोड़ा सा अच्छा नहीं है सो वट वी कैन डू हमारे पास दो ऑप्शन हैं या तो हम उस एम्प्लॉय को फायर uh, कर दें कि वी डो नॉट वी डो नॉट नीड यू एनी मोर ठीक है बट वो अगर हम एक प्रैक्टिकल एक एस्पेक्ट से देखें तो वो हमारी कंपनी के लिए लॉस होगा राइट और इधर वे दूसरा तरीका क्या है हमारे पास कि हम उसके एटीट्यूड को मोल्ड कर दें यानी कि जो एटीट्यूड जो कल्चर हमारे यहाँ पे फॉलो होता है हम उससे बात करके उसके एटीट्यूड को उस तरीके से मोल्ड कर दें राइट सो अगेन कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मोल्डिंग द एटीट्यूड्स ऑफ द इम्प्लॉयज विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नेक्स्ट इज मीन्स टू अचीव एंड सो नाउ मीन्स टू अचीव एंड हेर सिंपली मीन्स यहां पे इसका मतलब होता है गोल्स गोल्स मीन्स टू अचीव एंड इफ वी आर वर्किंग इन एनी सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो वी आर वर्किंग टू वर्ड द अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए हम काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ टारगेट्स हमें दिए जाते हैं कुछ ना कुछ हमारे कंपनी के ओवरऑल टारगेट्स होते हैं गोल्स होते हैं जो हमें हमारी पूरी वर्क को मिलकर क्या करने होते हैं मैच करने होते हैं मीटअप करने होते हैं राइट सो कम्युनिकेशन के थ्रू इट ओनली थ्रू कम्युनिकेशन इट इज़ पॉसिबल कि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पीपल मल्टीपल एम्प्लॉयज अगेन वो कॉर्डिनेशन तभी कर पाएंगे जब वो कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के साथ राइट right. Next is enable or enables organization to become dynamic. So now, dynamic we have already discussed means the changing environment, right? सो इबल एनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू बिकम डायनेमिक मीन्स इफ़ वी हैव गुड कम्युनिकेशन इफ़ वी हैव प्रॉपर कम्युनिकेशन इन अर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप तो वहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे अब जब चेंजिंग इन्वायरमेंट आती है चीज़ें चेंज होती हैं हमारा इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज कर सकते हैं वो नई चीज़ों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अडाप्ट कर सकते हैं बट इसके थ्रू ओनली थ्रू दी हेल्प ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन राइट लास्ट बट नॉट द लीस्ट टू फेस एमरजिंग चैलेंजेस सो इफ वी आर डूइंग इन दी इफ़ वी आर डूइंग बिजनेस इन दी सोसाइटी सोसाइटी में जब हम बिजनेस कर रहे हैं सो वी हैव मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जो हमें कट थ्रोट कॉम्पिटिशन दे रही हैं राइट तो उस कॉम्पिटिशन के टाइम पे हमें कैसे अपने आप को सर्वाइव करना है और बल्कि सर्वाइव ही नहीं करना है हाउ टू ग्रो आर बिजनेस वो भी हमें बिजनेस कम्युनिकेशन ही हेल्प करता है बिकॉज जस्ट थैंक फॉर अ सेकेंड अगर हम एक प्रोडक्ट को मैनुफैक्चर कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को जब हम मैनुफेक्चर कर रहे हैं हमने बहुत अच्छा सा करोर्स लगा के अपना वो प्लांट पूरा प्रोडक्शन यूनिट सेटअप कर लिया है बट अगर हम उसका एडवर्टीजमेंट ही नहीं करेंगे अगर हम कस्टमर्स को इन्फॉर्म ही नहीं करेंगे दैट वी हैव स्टार्टेड विद दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट आप इस तरीके का कोई प्रोडक्ट ला रहे हैं मार्केट में या आ चुका है मार्केट में इसके ये बेनिफिट्स होते हैं ये इतनी प्राइस में आपको मिलेगा नियरेस्ट स्टोर में मिलेगा अगर हम ये सब चीज़ें कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो क्या हमें और आपको पता चलेगा कि इस तरीके का कोई प्रोडक्ट हमारे मार्केट में है और अगर वो हमारे काम का है हम उसको ले पाएंगे The answer is no. So if you are planning anything, if you are planning any kind of any sort of production unit, any kind of plant, किसी भी तरीके का कुछ start कर रहे हैं so the very first step is कि हमें उसको communicate करना पड़ता है कि हम इस तरीके से काम कर रहे हैं जब employees को जब customers को पता चलेगा then only they can buy your product and ultimately किसी भी organization का किसी भी business का काम क्या होता है अपने products को अपनी services को ज़्यादा से ज़्यादा sell out करना to earn more and more profit and this Can only be possible with the help of effective business communication. So, now I hope you all understand the basics of uh, business communication. La next thing. ओके सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन लाइक वॉट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन जैसे अभी हमने बात करी लाइक uh, ऑर्गेनाइजेशन like, uh, के गोल्स के बारे में ऑर्गेनाइजेशन के एंड रिजल्ट के बारे में कि हमें कहाँ पर पहुँचना है वे आर वी हैव टू रीच सो सिमिलरली वी डू हैव दी गोल्स फॉर वी डू हैव दी ऑब्जेक्टिवस फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन एज वेल हमारे पास उनके लिए भी गोल्स होते हैं सो वी हैव टू काइंड ऑफ टू सेट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन वन इज इंटरनल ऑब्जेक्टिव एंड द अनदर वन इज एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव अब इंटरनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं स्टूडेंट्स इंटरनल ऑब्जेक्टिव आर नथिंग बट द ऑब्जेक्टिव आर टू बी अकम्पलिश विद इन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते रहते इन गोल्स को हमें कंप्लीट करना पड़ता है इन ऑब्जेक्टिव को हमें फुलफिल करना पड़ता है अचीव करना पड़ता है नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव आर दोस्ट जिसमें हम बाहर की एनवायरमेंट के साथ इंटरक्ट करते हैं और अपनी चीजों को अपने गोल्स को कंप्लीट करते हैं विच इज अगेन रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन आगे की स्लाइड में आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा सो वेरी फर्स्ट थिंग अगर हम बात करें यहाँ पे इंटरनल ऑब्जेक्टिव अब इंटरनल ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट आई हैव ओवर है इज इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट सो द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ टू प्रोवाइड दी करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट यानी कि जो मैनेजमेंट होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है जो सारी चीज़ों को प्लान आउट करता है सारी चीज़ों को हैंडल करता है उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सो so, इसके लिए किस किस लिए होनी चाहिए उनके पास इफॉर्मेशन ताकि दे कैन टेक दी टाइमली एंड एक्यूरेट डिसीजन फॉर दी वेलफेयर ऑफ़ द इम्प्लॉयज़ फॉर दी वेलफेयर ऑफ़ दी ऑर्गेनाइजेशन एज वेल सो जितनी भी चीज़ें उनका काम होता है जो उनका डेजिग्नेटेड वर्क होता है उनकी प्रोफाइल का वो सब करने के लिए उनको कम्युनिकेशन से ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं दे नीड द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन राइट नेक्स्ट इज इन्फॉर्मेशन टू एम्प्लॉयज सो वट रूल्स एंड पॉलिसीज आर मेड बाय दी टॉप लेवल तो वो सारी हमें कम्युनिकेट करनी चाहिए किसको हमारे एम्प्लॉयज को अगर हमने कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है कोई रूल बनाया है तो वो सब चीजें कोई नई पॉलिसी है कोई प्रोग्राम है कोई डेवलपमेंट uh, प्रोग्राम हो रहा है सो वी नीड टू कम्युनिकेट दैट थिंग टू आर एम्प्लॉयज कि उनको पता तो चले दैट वी आर प्लानिंग दिस थिंग फॉर दे कि हम कुछ ऐसा उनके लिए करने जा रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने एक नया रूल निकाला है दैट फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स यू ऑल हैव टू कम इन फॉर्मल्स अभी तक कैजुअल्स में जाते थे बट एक नया रूल निकला है फॉर इंस्टांस कि आप सबको फॉर्मल्स में आना है सो so, अगर आप ये चीज़ को कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे अपने इम्प्लॉयज़ के साथ सो हाउ डू हाउ डू हाउ डू दे विल गेट टू नो उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि उनको फॉर्मल्स में आना है राइट right. सो so, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन सो कॉर्डिनेशन अगेन वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस कॉर्डिनेशन मल्टीपल टाइम्स कि इफ यू वांट टू कॉर्डिनेट विद अदर्स इफ वन डिपार्टमेंट कॉर्डिनेट्स विद अदर्स तो उसके लिए दे नीड टू कम्युनिकेट उन्हें बात करने की जरूरत पड़ेगी अगर सेल्स मार्केटिंग प्रोडक्शन आपस में बात नहीं करेंगे तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन कर पाएगा द आंसर इज नो नहीं कर पाएगा राइट right. सो so, हमें कॉर्डिनेशन के लिए भी अगेन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दे नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन मोरल वेरी इम्पोर्टेंट थिंग ओके सो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स सो द वेरी वैल्यूएबल वेरी इम्पोर्टेंट एंड वेरी वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज ह्यूमन ह्यूम जो होते हैं वो सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स होते हैं और सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ टेक्निकली डील करना पड़ता है बिकॉज दे हैव मल्टीपल बिहेवियर्स राइट तो अब हमें उनके मोरल को बूस्ट करने के लिए उनके मोरल को आ, मतलब एक्टिव मोड में लाने के लिए हमें उनसे कम्युनिकेट करना पड़ता है राइट अगर उन्होंने कुछ बहुत अच्छा किया है सो तो वी नीड टू अप्रिशिएट देम, उनको अप्रिशिएट करते हैं हम प्रेज करते हैं कीप द स्पिरिट अप, वेल डन इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करते हैं कि वो उन्होंने जिस तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस अपना दिया है आगे भी वो वैसा ही देते रहें राइट सो ये सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज वर इंटरनल ऑब्जेक्टिव जो हमें फुलफिल करने होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में रह के विद द हेल्प ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव सो न एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बेसिकली कि जब हम अपने ऑब्जेक्टिव जो कम्युनिकेशन के थ्रू होते हैं जब हम एक आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंट्रैक्ट करते हैं व्हेन द रिसीवर कैन बी कैन बी फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो वहाँ पे हमारे ये जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो फुलफिल होते हैं राइट लाइक सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज आई टोल्ड यू राइट नाउ कि अगर हम एक नया प्लांट लगा लेंगे उसमें मिलियन बिलियन डॉलर्स को हम इन्वेस्ट कर देंगे एक नया प्रोडक्ट uh, बनाने के लिए बट इफ़ वी आर नॉट कम्युनिकेटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग टू दी कस्टमर्स तो क्या वो हमारा प्रोडक्ट सेल आउट होगा द आंसर इज नो राइट सो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी चीज को किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी सर्विसेज को सेल आउट करने के लिए वी नीड टू कम्युनिकेट हमें अपने कस्टमर्स के साथ अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ उस चीज़ को कम्युनिकेट करना होता है थ्रू एडवर्टीजमेंट एंड एडवर्टीजमेंट जो होती हैं वो किसी भी तरीके से हो सकती हैं राइट right. नेक्स्ट इज विद सप्लायर्स ना रिलेशन्स विद सप्लायर्स इज वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्योंकि अब सप्लायर्स क्या होते हैं कहीं ना कहीं हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं ठीक है अब अगर हम किसी से रॉ मटेरियल ले रहे हैं मेरा प्रोडक्शन यूनिट है इफ आई एम टेकिंग रॉ मटेरियल किसी से भी मैं रॉ मटेरियल ले रही हूँ सो आई नीड टू कम्युनिकेट दिस थिंग टू देम कि मुझे किस क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए है कितनी क्वांटिटी में चाहिए है कितने टाइम में चाहिए है ये सब मुझे क्या करना पड़ता है उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है वेल इन एडवांस देन ओनली आई एल बी एबल टू गेट द थिंग्स अकॉर्डिंग टू माई विल जैसा सामान मुझे चाहिए है जैसा रॉ मटेरियल मुझे चाहिए है वो मुझे तभी मिलेगा जब मैं अपनी जो डिमांड होंगी जो मेरी रिक्वायरमेंट्स होंगी मैं उसको कम्युनिकेट करूंगी मेरे सप्लायर के साथ अगेन ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव है एक्सटर्नल क्यों है क्योंकि सप्लायर जो है वो हमारा आउटसाइडर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है गेटिंग माई पॉइंट सो नेक्स्ट इज इन्फॉर्मेशन टू अदर पार्टीज अब नाउ इन्फॉर्मेशन टू अदर पार्टीज अदर पार्टीज का यहाँ पे मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स अदर पार्टी सिंपली मीन्स कि सिर्फ इम्प्लॉयज़ हमारे कस्टमर्स और हमारे सप्लायर्स ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील नहीं करते हैं वी हैव लॉट मैनी ऑफ अदर पीपल एज वेल लाइक वी हैव टू डील विद द गवर्नमेंट वी हैव टू डील विद द बैंक्स वी हैव टू डील विद द रिटेलर्स वी हैव टू डील विद द स्टॉकिस्ट हमें इतने लोगों के साथ और भी डील करना पड़ता है अब बैंक्स के साथ कैसे अगर हमें फंड्स की नीड है लोन्स चाहिए हैं सो so हम अपने बैंक्स के साथ बात करेंगे राइट right, अगर हमें कोई गवर्नमेंट का कोई नया रूल है ठीक है कोई जीएसटी पर हमें बात करनी है जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हमारी गवर्नमेंट बेसिकली फ्रेम करती है उसे फॉलो करना है सो वी ऑल्सो हैव टू टॉक ऑन दैट नेक्स्ट जितने भी हमारे अदर पार्टीज होते हैं उनसे भी हम बात करते हैं दैट इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन सो आई होप नाव यू विल भी एबल टू गेट द बेसिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अलॉट मनी ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू बिजनेस कम्युनिकेशन टिल देन स्टेट यू